दरवाजे का आइडिया। तो ठीक है, दरवाजा नहीं तोड़ना है भाई। वो तो चिंता ना कर, दरवाजा नहीं तोड़ूंगा। आओ मेरे साथ। अरे चाचा जी, जंप मार के दरवाजा खोलने के लिए जा रहा हूँ। दया भाभी जी, कुछ नहीं होगा। और रब जी की मेरा बोले। दरवाजा खोलने के लिए मुझे जंप मारना पड़ा। क्यों? अरे खड़े खड़े बातें क्या कर रहे हो भाई? अरे सॉरी, तू जल्दी से जीप निकल, हमें जल्द से जल्द दुकान पहुंचना पड़ेगा। और अब्दुल, तू दरवाजा खोल। तू दरवाजा खोल। पगार बढ़ाओ। ओ भाई साहब, तुम कौन हो? यही हमारे सेठ जी हैं। अच्छा, तो तुम ही हो इनके सेठ जी? हाँ, पर तुम कौन हो? हम वर्कर्स यूनियन एसोसिएशन वाले हैं, और अब हम तुम्हारे इन कर्मचारियों के साथ हैं। की पगार बढ़ानी होगी। ओ भाई साहब, देखो ये हमारा आपस का मामला है, आप सब लोग जाओ यहाँ से। चलो हम लोग आपस में समझ लेंगे, जाओ। नहीं, ये इन वफादार कर्मचारियों के हक का सवाल है, और इनका हक इन्हें दिला के ही रहेंगे। देखो भाई, अभी बहुत हो गए दादागिरी। एक तो मैंने कुछ किया नहीं है, ऊपर से तुम लोग मुझे टीवी पे बदनाम कर रहे हो। मैं चुपचाप सब सुन रहा हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि मैं कमजोर हूँ। चलो इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इस आदमी को, इसने यूनियन लीडर पे हाथ उठाया है। नहीं, ये झूठ बोल रहा है, मैंने इस पर नहीं मारा। ये मैं उधर उससे बात करने गया। अरे तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने अपने आंखों से देखा है उस आदमी को धक्का मारते हुए। एक तो तुम इनका पगार नहीं बढ़ा रहे हो, और ये लोग शांति से यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, और तुम यहाँ आकर हंगामा खड़ा कर रहे हो। इसके लिए तुम्हें कम से कम 5 साल की सजा होगी, और ये यूनियन लीडर पर हमला करने के जुर्म में अलग से 10,000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। यू आर अंडर अरेस्ट, पकड़ो इन्हें। देखिए प्लीज, एक बार बात सुनिए, ये बहुत ही भले इंसान है, बिल्कुल इनोसेंट है, आप उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैडम, हमें हमारी ड्यूटी मत सिखाइए। अगर आप हमारे काम में रिकॉर्ड डालेंगे तो मुझे मजबूरन आपको भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। ओ भाई, ए, क्या बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, ये आपको ज्यादा ही कर रहे हैं। अरे इसमें बेचारा बबीता जी की क्या गलती? बबीता जी, आप शांत रहिए प्लीज, आप शांत रहिए, इनका कोई भरोसा नहीं। बहुत जालिम इंस्पेक्टर है ये। कमाल है इंस्पेक्टर साहब, हंगामा ये लड्डू और भागा कर रहे हैं, और गिरफ्तार आप जेठा को करे। और इंस्पेक्टर साहब, जिसको धक्का मारा है उसको पूछो तो सही, लगा कि नहीं लगा है? हाँ। तो मैं पूछूं, लगा है कि नहीं? देखिए, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, आप बीच में मत बोलिए। आपको जो भी बोलना है कोर्ट में आके बोलिए। और इंस्पेक्टर साहब, ये तो आपकी जबरदस्ती है। नटू काका, बाका भाई, आप लोग कुछ तो बोलिए प्लीज। खबरदार, जो कुछ भी बोले हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। सेठानी जी, बापू जी, सॉरी, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अरे सेठ जी, पहले से ही हमारी बात मान लेते तो ये सब देखना नहीं पड़ता। ले चलो इसे। अरे इंस्पेक्टर साहब, ऐसा किधर होता है क्या? पकड़ नहीं बढ़ाने पे सीधा जेल? अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज, छोड़ दो मुझे। आप नींद में क्या बड़बड़ा रहे थे?
मुझे छोड़ दो। ओए, कोई भयानक सपना देखा क्या? टप्पू के पापा, किसने आपको पकड़ के रखा था? कौन आपको छोड़ नहीं रहा था? लट्टू काका और बाघा का पूरा आंदोलन सपना था? आश, इतना भयानक सपना था। पर ये तो सुबह का सपना है, कहीं सच ना हो जाए। क्या टप्पू के पापा क्या सोच रहे हैं? नहीं, कुछ कुछ नहीं। टप्पू के पापा आप मुझे नहीं बताएंगे, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। मुझे आप बताएंगे ना तो आपका टेंशन कम हो जाएगा। बताइए ना क्या हुआ। दया, अगर तू मेरा टेंशन कम करना चाहती है तो एक काम कर, माता जी से प्रार्थना कर कि आज दुकान में कोई गड़बड़ ना हो। गड़बड़? दुकान में आज क्या गड़बड़ होने का डर है आपको? गड़बड़ मतलब अभी जो मैंने सपना देखा है वो कहीं सच ना हो जाए बस। अरे पर क्या सपना आया वो तो बताइए। बोला उतना करने भाई। मैं बापूजी को बुलाती हूँ। अरे बापूजी को क्यों बुलाना है? मैं बापूजी को कहूँगी कि आपको कुछ टेंशन है और फिर आपको उनको तो बताना ही पड़ेगा, और जब आप बापूजी को बताएंगे ना तब मैं सब सुन लूंगी। नहीं दया प्लीज, बापूजी को इसके बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। हाँ बाबा, मैं बापूजी को कुछ नहीं बताऊंगी। बताइए ना क्या क्या हुआ। अरे टेंशन क्या, अभी क्या हुआ वो जेल में तो मैं सपने में गया था दया। अभी तो आप घर में हो। थैंक यू माता जी, थैंक यू। टप्पू के पापा, नट्टू काका और बाघा भाई को मैं समझाऊं? नहीं नहीं दया, तुझे उनको समझाने की जरूरत नहीं है। जो भी करना है मुझे ही करना होगा। तो क्या करेंगे आप? क्या करने का सोच रहे हैं? उनको समझाऊंगा, ये जो दादागिरी करके वो लोग अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं वो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मान गए तो ठीक है, वरना कड़क होके मुझे कोई ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। टप्पू के पापा, वैसे तो मुझे आपकी दुकान के मामले में कुछ बोलना नहीं चाहिए, पर एक बात कहूँ तो आप मानोगे? मानने जैसी बात होगी तो जरूर मानूंगा, बोल। ये सेठ और कर्मचारी का रिश्ता होता है ना, वो पति पत्नी के रिश्ते जैसा ही होता है। क्या? दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, और कभी नादाजी में कर्मचारी रूठ जाए तो उनको मना लेना चाहिए। वो रूठ के मुझे परेशान करे और मैं उनको मनाऊं? टप्पू के पापा, मैं भी डायमंड साड़ी के लिए आपसे रूठ गई थी ना, और फिर आपने मुझे मना लिया था ना। जहाँ प्यार होता है ना वहाँ रूठना मनाना तो होता ही रहता है। जैसे आप मुझे मनाते हैं, मेरी मांग पूरी करते हैं, वैसे नट्टू काका और बाघा भाई की भी ये मांग पूरी कर दीजिए ना। उनकी पगार बढ़ाने को चल एक बार मैं बढ़ा दूं, लेकिन फिर ऐसा लगेगा कि उनके दबाव में आके मैं झुक गया, और फिर तो हर छोटी छोटी बात में वो लोग मुझे ब्लैकमेल करने लगेंगे। नहीं नहीं टप्पू के पापा, वो लोग ऐसे नहीं है। नहीं नहीं दया, इस वक्त मैंने उनकी बात मान ली तो उनको ऐसा लगेगा कि उनकी बात मनवाने का ये तरीका सच्चा है। नहीं नहीं, क्या दबाव में आकर तो मैं उनके सामने हार हरगिज नहीं मानूंगा। टप्पू के पापा, नट्टू काका और बाघा भाई अपने ही है, एक बार उनके दबाव में
हार कर देखिए, अपनों को हमेशा हार कर ही जीता जा सकता है। एक बार अपनों से हार कर देखिए, जीत से भी ज्यादा मजा आएगा हारने में। शायद तू ठीक कह रही है। ठीक है, आज मैं हार को आजमा के देखता हूँ। शाबाश, आप हार कर भी जीत जाएंगे, देखना। और फिर तो सब लोग कहेंगे कि हार कर जीतने वाले को टप्पू के पापा गड़ा कहते हैं। वाह वाह दया वाह, इतने भयंकर तूफान को शांत करने का तूने एक ही पल में रास्ता दिखा दिया। इससे नटू काकर भागे पर जो मुझे गुस्सा था वो भी शांत हो गया। तू दिखती नहीं है पर है बहुत समझदार। सब सुंदर हीरा की कृपा है। सुंदर? इसमें सुंदर कहाँ से आया? अरे मेरा सुंदर हीरा है ना, वो हमेशा कहता है कि माय डियर बेना, हमेशा जीवन में पैसों से ज्यादा रिश्ते को महत्व देना चाहिए। और इसलिए मैं मेरे और माय डियर जीजा जी के बीच में कभी पैसों का हिस्सा भी नहीं रखता। रिश्ता बड़ा है, पैसे नहीं। चलो इस बात पे ना ही नाकू। मेरा मतलब है नहा लेता हूँ, फिर फटाफट दुकान जाकर नटू काकर बागा को खुशखबरी दे देता हूँ। लेकिन खाली हाथ खुशखबरी मत देना। तो आप उनके लिए मीठा का बॉक्स लेकर जाना और पहले उनका मुंह मीठा करना और फिर खुशखबरी सुनाना। अच्छा अच्छा आइडिया है। पहले उनको मिठाई खिलाऊंगा, उसके बाद ही उनको कहूंगा कि मैंने आप लोगों की पगार बढ़ा दी है। बागा, सेठ जी अभी तक आए नहीं। हाँ नटू काका, पता नहीं सेठ जी कैसे मूड में होंगे, गुस्से में होंगे, शांत होंगे, पता नहीं। नटू काका, एक तो सेठ जी पहले से ही हमारी पगार की बात को लेकर बहुत परेशान है, ऊपर से उनको हमने रात को 11 बजे मैसेज किया। नटू काका, नक्की सेठ जी गुस्से में होंगे। तुम्हारी बात तो सच है बागा, मगर अभी ये मत सोचो, हमें पुराने जो पगार बढ़वाने का फॉर्मूला समझाया है उसी पे चलो। बराबर है नटू काका। बागा बॉय, एक बात हमेशा याद रखना, जंग और आंदोलन में सामने वाले पे दया की तो हमारी हार निश्चित है। हम सेठ जी से डरने के बजाय उन्हें साफ साफ शब्दों में कह देंगे। ठीक है नटू काका। सेठ जी, सेठ जी आ गए। क्या लगता है? आ गए। सेठ जी फिर क्या सोचा आपने? किस बारे में? हमारी पगार बढ़ाने के बारे में। कल रात को आपको जो वीडियो मैसेज भेजा था वो देखा आपने? वीडियो मैसेज? मुझे कुछ नहीं मिला। बागा, डिलीवर तो हो गया था। क्या? छोड़ो वो सब, ये लो फर्स्ट क्लास मिठाई खाओ। मिठाई? किस खुशी में सेठ जी? बताता हूँ, पहले मिठाई तो खाओ भाई। जी खाइए ना। टुकड़ा खाया। अब तो बताइए सेठ जी, ये मिठाई किस खुशी में? भाई ये मिठाई उस खुशी में है कि मैं आप दोनों की पगार बढ़ा रहा हूँ। मुबारक हो नट्टू काका, मुबारक हो, आपकी पगार बढ़ी गई, मुबारक हो, मुबारक हो। एक मिनट, ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं आप लोगों की पगार आप लोगों के दबाव में आके बढ़ा रहा हूँ। नहीं नहीं सेठ जी, हम जानते हैं आप बाहर से जितने सख्त दिखते हैं अंदर से उतने ही कोमल है। नहीं नट्टू काका, यस ऑफ कोर्स, वेरी सिंसियर सॉल्व।
सेंसिटिव नटू काका है। व्हाटएवर। तो सेठ जी आप हमारी कितनी पगार बढ़ा रहे हैं? नटू काका, जैसे लड़के की उम्र नहीं पूछते, ठीक वैसे ही बड़ी हुई पगार की रकम नहीं पूछते। खैर फिर भी आपकी पगार है, आपसे क्या छुपाना। हाँ बराबर है, मैं आप दोनों की पगार 2,500 रुपया बढ़ा रहा हूँ। अच्छा सुनो, वो मगन को भी बोल देना, उसकी पगार भी मैं 1,500 बढ़ा रहा हूँ। मुबारक हो सेठ जी, आप महान हो सेठ जी, आप महान हो। आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 2,500। सेठ जी, हमारी दुकान में से हर साल 2,500 मोबाइल टीवी बिके। नटू काका, आज रात को पार्टी करेंगे। यस माय बगा बॉय, आज रात को तो पार्टी बनती ही है। नटू काका, आप पार्टी शार्टी करते हैं? नहीं नहीं सेठ जी, वो वाली पार्टी नहीं। तो एब्सोल्युटली नीट पार्टी। बगा नीट पार्टी? नहीं नहीं सेठ जी, नीट मतलब नीट एंड क्लीन वाला नीट। मतलब? मतलब हमारी पार्टी एकदम सात्विक और पौष्टिक होती है। ए, इन्हें आधा किलो गुलाब जामुन खाएंगे और मस्त टर्राट हो जाएंगे, नहीं नटू काका? हाँ हाँ तो ठीक है। चलो नटू काका, मैं गोडाउन में जा रहा हूँ, आप लोग तीनों का चेक बना के ले आइए, मैं साइन कर देता हूँ। जी हाँ जी, आइए आइए आइए। थैंक यू सेठ जी, मुबारक हो नटू काका, मुबारक हो। 2,500 सेठ जी ने हमारी पगार बढ़ा दी। वी लव यू सेठ जी, वी लव यू। चलो नटू काका, जल्दी जल्दी आप चेक बना लीजिए ताकि हम गोडाउन जाके सेठ जी का साइन ले सके। बिल्कुल बिल्कुल। भागा बुरा, अरे बुरा आओ, बुरा आओ, बुरा ले 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 ले, पेड़े खा, खाओ खाओ। थैंक यू बुरा, थैंक यू। मिठाई खा, सेठ जी ने हम दोनों की 2,500 पगार बढ़ा दी। अरे वाह, हमारा सेठ जी हमारे लिए आज खुश होकर मिठाई भी लाए हैं। बुरा मुंह मीठा करो। अरे नहीं नहीं, क्यों क्या हुआ बुरा? हमारी पगार बढ़ी उससे तुम्हें खुशी नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, क्यों बुरा? हमारी पगार बढ़ने से तू क्या दुखी है? हाँ। अरे मेरा मतलब ये है कि मैं आप दोनों के लिए तो खुश हूँ, लेकिन आज मेरी नौकरी चली गई। हाँ? मतलब? मेरे सेठ ने मेरा पगार तो बढ़ा दिया और बढ़े हुए पगार का चेक भी मुझे दे दिया, लेकिन इसके साथ मुझे नौकरी से निकाल दिया। अरे बाप रे, ओह माय गॉड। और तो और, अरे मेरी जगह पर उसने दूसरा आदमी रख दिया। बुरा, ये तो बहुत बुरा हुआ। बुरा, तेरे सेठ ने सचमुच ऐसा किया? अरे मेरा सेठ तो क्या, दुनिया का हर सेठ ऐसा कर सकता है। मेरा सेठ ने मेरा पगार बढ़ाने के साथ मुझे लड्डू का डिब्बा भी दिया और इसी तरह से मेरा मुंह भी मीठा कराया था। क्या बात कर रहा है बुरा? मुझे बार बार एक ही बात का अफसोस हो रहा है, क्यों मैंने अपने सेठ को मजबूर करके अपना पगार बढ़वाया। अरे कम से कम मेरी नौकरी तो सलामत रहती। आप लोग प्लीज मेरे लिए कोई नौकरी हो तो बताना। जरूर बुरा। चलो चलता हूँ, आसपास के दुकानों में देख लेता हूँ, कहीं कुछ काम बन जाए। नटू काका, कहीं हमारा हाल भी ये बुरा जैसा हुआ तो, कहीं सेठ जी ने हमें भी नौकरी से निकाल दिया तो। अरे बहुत बुरा हाल होगा, इस उम्र में मुझे नौकरी कौन देगा? अरे बाप रे, नटू काका मुझे तो अभी बावरी जी के साथ शादी करनी है, कहाँ हम इस बुरा की बात में आ गए। नटू काका, मैं ये नौकरी गवाना नहीं चाहता। नो नो भागा भाई, शुभ शुभ बोलो, हम कहाँ बुरा की बातों में आ गए। हाँ। और हमारे भले सेठ जी के साथ पगार को लेकर बगावत कर बैठे। तो नटू काका, हमारे सेठ जी बेचारे कितने भले हैं, कभी हमारे साथ नौकर जैसा व्यवहार नहीं किया, हमेशा हमें परिवार के सदस्य की तरह ही रखा है। उनका टिफिन हमारे साथ मिल बांट कर खाते हैं। हाँ, सेठानी जी भी हमें याद करके हमारे लिए बढ़िया बढ़िया खाना भेजती है। हमें हमेशा घर की और गोकुल धाम की खुशियों में शामिल किया। हाँ। सेठ जी ने कभी भी छुट्टी लेने पर हमारी पगार नहीं काटी। तो? और तो और, जरूरत पड़ने पर हमेशा हमें पैसे दिए। हाँ, बेचारे सेठ जी मेरी और बावरी जी की सगाई के वक्त मेरे नौकर तक बन गए थे। हाँ, दुनिया का कोई भी सेठ ऐसा नहीं कर सकता,
जो हमारे सेठ जी ने किया। बराबर है नट्टू काका। और हमने गलत तरीके से पगार बढ़ाने के लिए उन पर इतना प्रेशर डाला, उनको इतना परेशान किया। नहीं नहीं बागा बॉय, ये हमने अच्छा नहीं किया, हमने बहुत बड़ी गलती की है। चलो अभी के अभी सेठ जी के पास जाकर हमारी पगार बढ़ोतरी रुकवा देते हैं। मामला शांत होगा तब सेठ जी को आराम से पगार बढ़ाने की बात करेंगे। चलिए नटू काका, सेठ जी से जाकर बात करते हैं। चलिए चलो जल्दी आइए। सेठ जी। हाँ आइए, चेक दीजिए, साइन कर देता। लो। नहीं चेक नहीं बनाए। क्यों? हमें हमारी पगार नहीं बढ़वानी है। क्या? सेठ जी आप हमारी पगार मत बढ़ाइए। एक मिनट, अभी ये क्या नया नाटक है? कल से मेरा दिमाग खा गए थे, हमारी पगार बढ़ाइए हमारी पगार बढ़ाइए, अभी पगार बढ़ा दे तो बोल रहे मत बढ़ाइए। तो फिर वो चिट्ठी लिख के दी, वो वीडियो मैसेज भेजा, वो सब क्या था? वो बस ऐसे ही। ऐसे ही टाइम पास? नहीं नहीं टाइम पास नहीं। तो वो दरअसल सेठ जी नटू काका देखना चाहते थे कि अगर आप पे पगार बढ़ाने का दबाव डाला जाए तो आप हमारी पगार बढ़ाते हैं या नहीं। लेकिन आपने तो सच में ही पगार बढ़ा दी, नहीं नटू काका? हाँ, थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। तुम दोनों क्या पागल हो गए हो? परीक्षा, मेरी परीक्षा ले रहे थे दोनों, तभी परीक्षा में मैं पास हो गया तो मेरा सर्फी टिकट किधर है भाई? सर्फी टिकट दो, उसको मुझा के मैं यहाँ गोडाउन में लगाऊंगा भाई। सॉरी सेठ जी, जो हुआ उसे एक बुरा सपना समझ के भूल जाइए ना। भूल जाइए? बुरा सपना समझ के भूल जाइए? अरे कैसे भूलू, कल का पूरा दिन और पूरी रात मैंने कैसे बिताया मेरा मन जानता है। अरे कितनी मानसिक जद्दोजहद के बाद मैंने अपने मन को मनाया के चलो इनकी पगार मैं बढ़ा देता हूँ, और बढ़ाई भी। क्या भाई, छोरू का छोरू था, माउतर का माउतर ना था। अभी पगार बढ़ा दिया तो बोल रहे मत बढ़ाओ। तुम दोनों मेरे साथ कोई बड़ा गेम खेल रहे हो क्या? नहीं नहीं सेठ जी, हम कोई खेल नहीं खेल रहे हैं। तो फिर अचानक तुम दोनों को अपनी पगार क्यों नहीं बढ़वानी है? सेठ जी, हमें एक ज्योतिषी ने कहा है कि पगार बढ़ाने का ये योग्य मुहूर्त नहीं है। हाँ सेठ जी, और दूसरा हमें ये भी लगता है कि हमारा पगार बढ़वाने का तरीका एकदम गलत है। एक मिनट, अभी भी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। ज्योतिष ने कहा कि मुहूर्त बराबर नहीं है इसलिए आपको पगार नहीं बढ़वानी है, कि तुमको लगा कि ये पगार बढ़वाने का तुम लोगों का तरीका गलत है इसलिए पगार बढ़वाना नहीं चाहते, क्योंकि दोनों बातें अलग है। सेठ जी, अभी कुल मिलाकर बात एक ही है। एक मिनट नटू काका, कुल मिला के नहीं, दोनों बातें मिलाकर बात एक ही है कि हमें हमारी पगार नहीं बढ़वानी। हाँ सेठ जी, आप हमें हमारी पुरानी पगार है वही दे देना। अरे पर क्यों? मैं जब सामने से तुम लोगों की पगार बढ़ा रहा हूँ तो तुमको बढ़ी हुई पगार क्यों नहीं चाहिए? अरे बोला ना सेठ जी। अरे क्या बोला, और जो बोला उससे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग अपनी पगार बढ़वाना क्यों नहीं चाहते। खैर जो भी है, मैंने अभी पगार बढ़ा दी है तो अभी वो कम नहीं हो सकती। नहीं नहीं सेठ जी, हम पर ऐसा जुल्म मत कीजिए, फॉर गॉड सेक हमें हमारी पुरानी पगार पर ही रखिए। अरे क्या बेवकूफ जैसी बात कर रहे हैं नटू काका आप। नहीं नहीं सेठ जी, नटू काका एकदम सही कह रहे हैं, आप प्लीज हमें हमारी पुरानी पगार पर ही रखिए, वरना हमें आंदोलन करना पड़ेगा। पगार घटाओ, पगार घटाओ, सेठ जी हमारी पगार घटाओ। अजीब है ये चाचा भतीजा, समझ में नहीं आ रहा क्यों ये पगार बढ़ाने से मना कर रहे हैं। ये बता नहीं रहे पर जरूर कोई ना कोई वजह है। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते। अरे भूला, तू यहाँ क्या हुआ? नट्टू काका, वो मुझे रास्ते में याद आया कि क्यों ना मैं एक बार आपके सेठ जी से विनती करूं। आपके सेठ जी की जान पहचान बहुत जगह है, हो सकता है उन्हें कहीं ध्यान हो तो वो मेरे लिए भी किसी से बात करें। क्या, किसको क्या बात करनी है? इसकी नौकरी चली गई है,
इसके सेठ ने इसे नौकरी से निकाल दिया है। क्यों? पता नहीं मुझे क्या सूझा कि मैं अपनी पगार बढ़वाने के लिए अपने सेठ जी के सामने आंदोलन कर दिया। आंदोलन? हाँ आंदोलन। पर जरा विस्तार से बता क्या क्या हुआ था, क्या किया तूने? सेठ जी हुआ यूं कि अभी पूरा कांड समझ में आ गया। ये चाचा भतीजा पगार बढ़वाने बगावत पे क्यों उतर है? और मैंने जब पगार बढ़ा दी तभी इनको पगार क्यों नहीं बढ़ानी? सेठ जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हाँ सेठ जी हमें माफ कर दीजिए। अरे नट्टू काका आप लोगों ने ऐसा कैसे सोच लिया कि आपकी पगार बढ़ा के मैं आप लोगों को नौकरी से निकाल दूंगा? सब सेठ एक जैसे नहीं होते, पर मैंने आप लोगों को कभी पराया समझा ही नहीं, उल्टा हमेशा मेरे परिवार का सदस्य माना है। कभी कभार मैं आप लोगों से परेशान हो जाता हूँ, लेकिन उसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं आप लोगों को नौकरी से निकाल दूंगा। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। नट्टू काका भागा, आप दोनों बहुत किस्मत वाले हो जो आपको ऐसे बड़े दिल वाले सेठ मिले। अरे आप दोनों का तो भविष्य संवर गया। अरे भाई तू भी दिल छोटा मत कर, तेरा भी काम हो जाएगा। मेरे एक दोस्त है कार्तिक भाई, वो बीच में मिले थे, उनके भी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, तो बोल रहे थे कि कोई अच्छा आदमी चाहिए स्टाफ में, तो उनको बात करूंगा तो तेरा भी काम हो जाएगा। लेकिन भाई नौकरी मिलने के बाद उधर पगार बढ़ाने के लिए आंदोलन शुरू मत कर देना। अरे नहीं नहीं सेठ जी कैसी बात करते हैं, जिंदगी में दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, बस मुझे ये नौकरी दिलवा दीजिए, मुझे काम की बहुत जरूरत है। फोन करता हूँ। हाँ कार्तिक भाई, बस बस मजा मालिक। नहीं नहीं वो फोन इसलिए किया, वो बीच में आप बता रहे थे ना कि आपको एक अच्छे आदमी की जरूरत है स्टाफ में, तो कोई मिला रखा किसी को या? हाँ नहीं एक आदमी आया है। हाँ पहचान वाला आपने, नट्टू काका का ही पहचान वाला है, तो आके अभी अभी भेजता हूँ। ओके ओके चल चल भाई, हो गया तेरा काम। बोरीवली स्टेशन में वेस्ट में उतरना, उधर स्टेशन के सामने ही दुकान है कार्तिक इलेक्ट्रॉनिक। कार्तिक इलेक्ट्रॉनिक उधर ये कार्तिक भाई खुद होंगे, उनको मिल लेना ठीक है। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। अरे अरे बस भाई तू जा अभी पहुंच। अच्छा नट्टू काका आप भी पगार के चेक बना के ले आइए, मैं साइन कर देता हूँ। सेठ जी आपकी हर बात सर आंखों पर। हाँ सेठ जी लेकिन अभी हमें ये बड़ी हुई पगार का चेक लेना ठीक नहीं लग रहा है, आप बाद में आराम से शांति से फैसला लेना। हाँ आप शांति से फैसला लोगे तो हो सकता है इससे भी ज्यादा पगार आप बढ़ा दे। नट्टू काका मैंने सोच समझ कर ही फैसला लिया है। नहीं नहीं सेठ जी ने सोच समझ के ही फैसला लिया होगा, लेकिन हमारी पगार फिर कभी बढ़ा देना। अरे भाई सेठ जी प्लीज रिक्वेस्ट, ये चैप्टर आप यहीं क्लोज कर दीजिए ना। बगा बॉय बगल अब बैक टू वर्क। आई आई सर। ये चाचा भतीजा भी कमाल है, ये पगार का मैटर फिर से जैसा था वैसा ही रहा। अभी आज नहीं तो कल पगार बढ़ानी तो पड़ेगी, तभी फिर से सोचो क्या बढ़ाऊं कितना बढ़ाऊं। अभी आज ये बड़ी हुई पगार ले ली होती तो अच्छा होता, ये पगार का मैटर एक बार के लिए क्लोज हो जाता। खैर जेवा हमारा नसीब। हाँ माँ हाँ। नहीं नहीं माँ अभी तक नहीं आए दुकान से। अरे माँ क्या है कि नट्टू काका और बाघा भाई ने कहा है कि अगर हमारी पगार नहीं बढ़ाएंगे ना तो हम आंदोलन करेंगे। नहीं नहीं माँ क्या है कि उनको दुकान में पहले से ही बहुत सारा काम है और ऊपर से ये पगार बढ़ाने का टेंशन, तो फिर मैंने सोचा कि जब घर आएंगे ना तब मैं उनको शांति से सब पूछ लूंगी। चलो माँ मैं बाद में फाइन करती हूँ। अरे दया अरे आ गए टप्पू के पापा। आ गया भाई आ गया। आई आई गड़े महल में आंदोलन कुमार का स्वागत है। अच्छा आ गया सासू माँ का फोन। अरे आपको कैसे पता चला? अरे भाई पूरी दुनिया में मेरे ऐसे अतरंगी नाम सासू माँ के अलावा और कोई नहीं रखता। सही जवाब।
दया जबरदस्त भूख लगी है, फटाफट खाना लगा। हाँ हाँ टप्पू के पापा, आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए क्योंकि आज मैंने चटकदार खाना बनाया है। देखिए डप्पा कढ़ी, मसाला खिचड़ी, बैंगन भरता और रोटला और दूधी का हलवा। ओ, इतना सब कुछ बनाया तूने आज? हाँ। आज घर पे कोई खाने के लिए आने वाला है? ये दया ने खाने की जोरदार तैयारी की है, कहीं सुंदर तो नहीं आ रहा? अरे यार, दो दिन से पगार के टेंशन में दिमाग का दही हो गया, अब ये सुंदर आके वही दही की लस्सी बनाएगा। टप्पू के पापा, क्या सोच रहे हैं? कौन आ रहा है? सुंदर नहीं? तो फिर कौन आने वाला है? आने वाला नहीं है, आ गए हैं। कौन? टप्पू के पापा दो दिन से घर में गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के सेठ जी आ रहे थे। मैं देख रही थी, दो दिन से आप टेंशन के मारे ठीक तरह से खाना भी नहीं खा रहे थे, लेकिन आज मैंने देखा कि घर में गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का सेठ जी नहीं, टप्पू के पापा आए हैं। और टप्पू के पापा एक बात कहूं, मुझे तो पूरा विश्वास था कि आज नटू काका और बाघा भाई का पगार बढ़ाने का जो टेंशन है ना, वो खत्म हो ही जाएगा, और इसलिए मैंने आज आपका मनपसंद खाना बनाया है। वाह वाह मेरी दया, तू मेरा कितना ख्याल रखती है, थैंक यू दया। वैसे टप्पू के पापा, इस दुकान में क्या हुआ? सिंह के सियार, पगार बढ़ाने वाली बात में आपकी जीत हुई या हार? अरे दया, ना हार हुई ना जीत, मैच ड्रॉ हो गया। मतलब? दया तूने जैसे बोला था वैसे ही मैंने किया, पहले तो उनको मिठाई खिलाई। एक नंबर के आइटम है दोनों, कम का दो दिन टेंशन दे दिया। क्या हुआ बेटे, किसने टेंशन दे दी? कोई किसी ने कोई टेंशन नहीं दी बाबू जी, आइए खाना खाने बैठते, दया ने आज बहुत बढ़िया खाना बनाया बाबू जी। अच्छा, अभी तो अपनी बात छुपाने के लिए मेरा सवाल डाल रहा है। नहीं नहीं बाबू जी, ऐसी कोई बात ही नहीं है, कुछ कुछ। अच्छा कोई बात, तुझे अपना टेंशन मुझे नहीं बताना, मत बता। मुझे भी कभी कोई टेंशन होगा ना, मैं भी तुझे नहीं बताऊँ। बाबू जी बात में कोई दम ही नहीं है, वो क्या है, पिछले दो दिन से दुकान में वो नट्टू काका और बाघा की पगार को लेकर थोड़ा टेंशन चल रहा था, लेकिन आज सब कुछ सुलट गया, अभी कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, मतलब दो दिन से तू अपना दुकान का टेंशन मुझसे छुपा रहा था? अभी मैंने सोचा बापू जी आपको बताऊंगा तो आपको भी टेंशन होगा, इसलिए नहीं बताया आपको। जेठिया, कोई भी परेशानी वाली बात हो, टेंशन वाली बात हो, तो परिवार वालों को बता देनी चाहिए। बापू जी कल आप कह रहे थे कि दुकान का धंधे का कोई भी टेंशन हो तो घर में नहीं लाना चाहिए, आज आप कह रहे हैं कि कोई भी टेंशन हो तो घर में आके बताना चाहिए। अरे बराबर है जेठिया, मैंने ही बोला था, लेकिन क्या है जेठिया, जीवन में कोई गंभीर बात हो तो वो परिवार वालों को बता देनी चाहिए, अपनी समस्या परिवार वालों से कभी छुपानी नहीं चाहिए, मन में जो कुछ भी हो वो बता देना चाहिए, वरना स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, समझा? नहीं नहीं बराबर, बिल्कुल बराबर बोल रहे बापू। बापू जी, अरे वो बापू जी, समझ गया। आइए बैठिए, बैठिए। क्या हाल है भाई जेठालाल? अरे भाई तुम घर आए तब भी मैं थोड़ा उलझा हुआ था, तो ढंग से बात नहीं कर पाया, फोन पे भी आराम से बात नहीं हुई, तो मैंने कहा चलो चल के तुम्हें सॉरी बोल दूं यार, सॉरी यार। अरे उसमें सॉरी क्या, मैं समझ सकता हूँ। वैसे हुआ क्या भाई, जो नटू काका बागा का पगार का मामला चल रहा था, बढ़ाई की नहीं बढ़ाई पगार उनकी? नहीं वो चलाल माफ करना, देखो भाई तुम मेरे परम मित्र हो, लेकिन ये बात मैं खुद को कहने से रोक नहीं पा, तुम तो दूसरे सेठ जैसी निकली। क्या? हाँ और क्या, बढ़ा देते पगार, क्या दिक्कत थी? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ टप्पू के पापा ने तो उनकी पगार बढ़ाई थी, लेकिन नटू काका और बागा भाई ने सामने से पगार बढ़ाने का मना कर दिया। तो अरे भाई हुआ यूं के कमाल है यार, कमाल है, ये चाचा भतीजे भी अजूबे है भाई, कमाल के ये लोग। अच्छा उनको छोड़िए मेहता साहब, आप बताइए आपका क्या हुआ, आपका भी वो पगार को लेकर कोई टेंशन चल रहा था ना?
हाँ जेठालाल, मैंने बॉस से अपनी तनख्वाह की बात की तो सबसे पहले तो उन्होंने ये बढ़ती हुई मंदी की बात की, घटते हुए व्यापार की बात की, बेरोजगारी की बात की, फिर एक कप मसालेदार चाय पिलाई, फिर कहा कि देखो कितनी बेरोजगारी बढ़ रही है, हालात कितने खराब, व्यापार कम होता जा रहा है, लेकिन मिस्टर मेहता चिंता मत करो, दिन ठीक होंगे, धीरे धीरे कंपनी के हालात सुधरेंगे और कंपनी के हालात अगर अच्छे होंगे तो फायदा किसको मिलेगा, कर्मचारियों को। वो बराबर है, लेकिन ये सब बोल बच्चन करने के बाद पगार बढ़ाए कि नहीं? अरे कहाँ पगार बढ़ाए, सिर्फ हौसला बढ़ाया और भेज दिया। अच्छा, मतलब कुल मिला के मसाला चाय पिला के आपको बाटली में उतार दिया। चलो खैर जो भी है, जिंदगी तो ऐसे ही चलती रहेगी, मैं चलता हूँ। लेकिन घर पे इंतजार कर रहे हैं। कौन इंतजार कर रहे? बिना नमक का सलाद और पालक का सूप, उसका क्या होगा, वो मेरे इंतजार में बैठे हैं वहाँ पे। अरे मेहता साहब, सूप और सलाद तो मुखवास जैसे होते हैं, आप इधर खाना खा लीजिए, फिर घर जाके वो सूप और सलाद का मुखवास खा लेना। अरे पर वो अंजलि, मेहता साहब आप खाना खा लीजिए, मैं अंजलि भाभी से बात कर लूँ। ठीक है, अगर आप बात करेंगे तो क्या दिक्कत है। लगा लगा खाना चला। मित्रों, दया भाभी के हाथ का मसालेदार स्वादिष्ट जबरदस्त खाना खाने के बाद मुझ जैसे डाइट फूड खाने वाले को जिस तरह की खुशी मिलती है, उतनी खुशी जेठालाल को मिली है पगार का अध्याय समाप्त हो जाने पर। भाई जेठालाल ने बड़ी जिम्मेदारी से काम लिया और दुकान की बात दुकान में ही रही। ये जो अहम का टकराव हो गया था सेठ और नौकर के बीच में, अच्छा हुआ कि समय रहते समाप्त हो गया। जेठालाल ने मैच्योरिटी से काम लिया, परिपक्वता से काम लिया, और उधर नटू काका और बाघा ने भी अपनी जिद को छोड़ के बढ़ी हुई पगार लेने से इनकार कर दिया। बहुत अच्छी बात है मित्रों, ताली हमेशा दो हाथों से बजती है और रिश्ते भी दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। सेठ और नौकर का रिश्ता भी कुछ इसी तरह का है, एक को परिपक्वता रखनी जरूरी है, एक को समझदारी रखनी जरूरी है, और दोनों मिलकर इसी तरह से व्यापार का काम आगे बढ़ाते हैं। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है और खुशी भी। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये पगार वाली कहानी अभी तो इस अध्याय का पटाक्षेप हो गया है, लेकिन ये इतनी जल्दी समाप्त होने वाली नहीं है। एक बार औरतें सेल में शॉपिंग करना छोड़ सकती है, हमारे युवा मित्र एक बार फोन पे चैटिंग करना छोड़ सकते हैं, लेकिन नटू काका पगार बढ़ाने की डिमांड को इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकते, तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन आगे जो होने वाला है वो बड़ा कमाल का होने वाला है। मैंने आपसे कहा था कि भ्रष्टाचार और काले धन को समाप्त करने के लिए 500 और 1000 रुपए के नोट्स पे जो बैन लगा दिया गया है, उसकी वजह से गोकुल धाम में भी हड़कंप है, और ये हड़कंप मचेगा आपके घरों में जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा हंसी के साथ, और आपको इतनी खुशी मिलेगी जैसे 2000 का नया नोट खुशी दे रहा है। और इस एपिसोड के समाप्त होने के बाद आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि त्रिदेवियां आ रही है आपका मनोरंजन करने के लिए। देखते रहिए, हंसते रहिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.